तो दोस्तों मैंने अभी कुछ स्टोरीज डाली थी अबाउट हाउ बुक माई शो शुड चेंज देयर नेम टू फक माई शो बिकॉज दैट्स ऑल दे हैव डन। लेकिन जैसे मैंने वो स्टोरीज डाली, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि मैंने गलती से दो दो डाल दी हैं, तो फिर मैंने एक हटाई तो दोनों ही हट गई। तो अब मैं फिर से वो रैंट वापस करता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो जब हम लोग बुक माई शो को एज ए टिकटिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो हमें उनको 5% देने होते हैं, ठीक है, जितना पैसे कमा रहे हो 5% बुक माई शो को चले जाता है। लेकिन इस बार हमने उनको एज ए प्रमोटर बुक किया था, मतलब कि मेरे होटल का स्टे, मेरे ट्रैवल, मेरे वेन्यू का बुकिंग सब लोग वही टेक केयर कर रहे थे, तो उसके बदले उनको एक हायर फीस मिल रही थी। तो सबसे पहले सूरत के शो की बात है, इन्होंने सूरत में मेरा शो अनाउंस किया और शो सोल्ड आउट भी हो गया, और उसके बाद कह रहे हैं कि अरे हम तो वेन्यू बुक करना ही भूल गए। वेन्यू बुक ही नहीं है, शो सोल्ड आउट है भाई। उसके बाद दिल्ली का शो था दोस्तों, दिल्ली का शो मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इतना बड़ा शो मैं पहली बार कर रहा हूँ, मैं शायद 200 रैपर्स लोग आए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया शो में, इन्होंने ज्यादा ही टिकटें बेच दी, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा ही टिकटें बेच दी। वेन्यू इन्होंने ही बुक किया है, इनको पता है कैपेसिटी कितनी है, फिर भी ज्यादा टिकटें बेच दी, टिकटें बिक गई। फिर इन्होंने खुद से ही 10-15 लोगों को कॉल किया और बोला कि सो सॉरी, एक्चुअली ना वेन्यू की सीटें जो फटी हुई हैं थोड़ी सी, तो गलती से आपको वो मिल गई थी, तो हम आपका वो शो कैंसिल कर रहे हैं, हमने आपका ध्यान रखा, डोंट वरी, आपको फटी हुई टिकट पे सीट पे नहीं बैठने देंगे हम। जबकि हगा इन्होंने ही था, ठीक है, और इन्होंने ये मांडवली अपने में ही कर दी, मेरे को बताया तक नहीं ना, वो मेरे टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को बताया, सीधे ऑडियंस को ही कॉल कर दिया भाई, और ऑडियंस मेरी है क्रेजी, ऑडियंस मेरे को मैसेज कर दिया कि भाई ऐसा हो रहा है, सच में हुआ है। अच्छा, एज अ प्रमोटर तो इन्होंने हगा ही मेरे शोज में, ठीक है, अब एज अ टिकटिंग प्लेटफॉर्म भी इन्होंने गुई खाया। इन्होंने क्या किया, जो भी टिकट्स होती है ना, तीन फेज में हम बेचते हैं, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। जो सबसे पहले खरीदते हैं लोग, सबसे पहले 75% टिकट्स सस्ती बिकती हैं, फिर तो तब जाके मुझे पता चला इन्होंने ये क्या झोल किया है पीछे से, थोड़ी महंगी हो जाती है, फिर लास्ट की सबसे महंगी होती है, जो लास्ट की 50 होती है, ठीक है। तो जैसे ही पहले 200 बिक जाए, पहला फेज बिक जाए, तो अब अपने आप फेज टू खुलना चाहिए, ऑटोमेट होना चाहिए, नहीं, इनको लिखना पड़ता है मेल कि भाइयों फेज टू खोल दीजिए प्लीज, फेज वन बिक चुका है, कोई ऑटोमेशन है ही नहीं, ठीक है, 1990 में ही जी रहे हैं लोग अभी तक, ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है, एक ऑटोमेशन लाओ नहीं। और ये क्या कर देते हैं, जैसे ही फेज वन सोल्ड आउट हो जाता है ना, ये लोग शो सोल्ड आउट ही दिखाता है वहां पे, शो सोल्ड आउट। तो जब मैंने देखा कि भाई मैंने डे वन पे ही हजार सीटर फुल सोल्ड आउट कर दिए, मैं तो खुश हो गया। फिर मेरे को मालूम चला कि भाई अभी तो और दो फेज अनलॉक ही नहीं किए इन्होंने, अभी भी कोलकाता का शो जो मेरा कल है सोल्ड आउट दिखा रहा है, अभी सोल्ड आउट, परसों है जो शो है, सोल्ड आउट दिखा रहा है। लेकिन अभी वो जब नींद से उठेगा बंदा, वो डालेगा फेज थ्री करेगा, तब खरीद लेना दोस्तों।